हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से एक नए चैप्टर्स में स्वागत है। आज हम लोग एक चैप्टर से जिसका नाम है द सोल्जर। इस चैप्टर्स के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं एवं ऑथर के बारे में सभी की सभी हम लोग जानकारी इस वीडियो में हम लोग देंगे और हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव्स इस चैप्टर्स का क्लियर करेंगे। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए हम लोग द सोल्जर्स के बारे में शुरू करते हैं। ठीक है, अगर ये बात करें इसके लेखक के, ठीक है, लेखक का नाम है रूपक ब्रूक। ठीक है ना, रूपक, ठीक है, मैं नाम लिख देता हूँ रूपक ब्रूक। ठीक है, अगर बात करें इनके जन्म की, ठीक है, जन्म की बात करें तो 1887 को हुआ था, मृत्यु हुआ था, एक बीमारी था इनको, ठीक है ना, अस्टिपीमिया। ठीक है ना, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, इसमें क्या होता है सिम्टम्स मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ तो मैं बता दूंगा। इनकी मृत्यु हुई थी 1915 में, ठीक है, 1915 में। ठीक है भाई, कौन सा बीमारी था भाई, मैंने क्या बोला, अस्टिपिक, ठीक है ना, एस्टिपिकीमिया, ठीक है ना, अस्टिपिकीमिया, ये एक प्रकार की बीमारी होती है, इसमें ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है, इसको अस्टिपिक, ठीक है ना, अस्टिपिक शॉक्ड, ठीक है ना, अस्टिपिक शॉक्ड कहा जाता है। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में बोले तो, अगर इसमें गूगल के बारे में सर्च कर सकते हो, गूगल तुम्हारे सामने है, ठीक है, तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम उसमें सर्च कर सकते हो इसको क्या क्या कहा जाता है। तो इसके बारे में यही था, इनको ये बीमारी हुआ था जिनके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मृत्यु जब हुआ था ना, इसमें एग्जैक्ट डेट भी दिया हुआ है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जैक्ट डेट ताकि तुमको याद रहे, और पूछेगा कि अस्टेपिक्स बीमारी के कारण कौन से लेखक की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो कौन है भाई, रूपक ब्रूक, इनकी मृत्यु कब हुई थी, दिया हुआ 23 अप्रैल, ठीक है ना, 23 अप्रैल 1915 को। ठीक है, इनको ये इस दौरान, ठीक है ना, जब वर्ल्ड वार चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि ये इस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वार ही चल रहा था भाई, ये जंग के मैदान में थे, उसी दौरान ये कहानी लिखे हैं। ठीक है, और ये कौन से थे भाई, बैटल ऑफ ग्वाभिपोलू, ठीक है ना, ग्वाभिपोलू, नाम भी काफ़ी अजीब है, मैं लिख देता हूँ उसमें इसका भी, गावी, ठीक है ना, ग्वाभिपोली, ठीक है ना, ग्वाभिपोली, ये बैटल ऑफ ग्वाभिपोली में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है भाई, इनको बार पोएट के नाम से जाना जाता है, कौन से पोएट से भाई, बार पोएट, युद्ध कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इनके बारे में एक लेखक है, ठीक है ना, जिनका नाम है W.B. Yeats, Y.A.T. Yeats, ये काफ़ी मशहूर पोएट है। इन्होंने रूपक ब्रूक को डिस्क्राइब किया अपने पोएट में, और इनको एक नाम दिया हैंसम यंग मैन इन इंग्लैंड, द हैंसम यंग मैन इन इंग्लैंड का इनको इस नाम से नवाजा है। ठीक है भाई, किसने भाई, W.A. Yeats ने, ठीक है, पूछ सकता है इसलिए मैंने बता दिया। तो अब चलो हम लोग चैप्टर्स की ओर बढ़ते हैं, क्या क्या चैप्टर्स में बोल रहा है। ठीक है, और अगर तुम्हारे सामने अगर बुक खुला हुआ होगा तो काफ़ी आसान से तुम लोग समझ जाओगे। ठीक है भाई, देखो प्रश्न क्या बोल रहा है, जो देखो, द लाइन इन हर्ट एट पीस अंडर एंड द इंग्लैंड हैवन इज टेकन फ्रॉम, मतलब ये लाइन जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है। तो भाई हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन भाई, द सोल्जर, तो द सोल्जर से लिया गया होगा। राइट आंसर इसके ऑप्शंस नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, रूकअप ग्रुप पेसिर्स, मतलब ये कहाँ के रहने वाले थे, ठीक है, तो इंग्लैंड के, इंग्लैंड ना हो जाएगा, हाँ इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है भाई, द सोल्जर इज, ठीक है, द सोल्जर क्या है, तो सोनेट है, ठीक है ना, सोनेट, अगर तुम बात करें सोनेट, ठीक है ना, सोनेट है। राइट आंसर इसके क्या हो जाएंगे, ऑप्शंस नंबर इसके बी हो जाएंगे करेक्ट। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, द सोल्जर इज खाली स्थान पोएम, तो भाई राइट आंसर इसके क्या है, राइट आंसर इसके सी है। अगला प्रश्न, द सोल्जर डील्स बिट, सोल्जर्स डील कर रहे थे कहाँ भाई, तो वो कहाँ कर रहे थे, तो वो कर रहे थे इंग्लैंड में, ठीक है ना, कहाँ भाई, ये इंग्लैंड में। द टर्म ऑफ कॉन्सलेटेड स्टैंड फॉर खाली स्थान इन द सोल्जर, तो भाई ये क्या, तो हिडन को शो कर रहा है, राइट आंसर इसके ए हो जाएंगे। ठीक है भाई, अगला प्रश्न, अकॉर्डिंग टू द सोल्जर इंग्लैंड हैज गिवन हर निगेटिव हर फॉलो, तो भाई टू लव, ठीक है ना, क्या भाई, टू लव, राइट आंसर इसके बी हो जाएंगे। हु हैज कंपोज द पोएम द सोल्जर, इसके लेखक कौन है, तो रूपक ब्रूक, ठीक है, राइट आंसर इसके ए हो जाएंगे।
रूपक ब्रूक किया जन्म कब हुआ था? तो इसको जन्म मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, जन्म कब बताया था, 1887 को बताया था, ठीक है भाई। अब मृत्यु मैंने बताया था 1915 को, ठीक है ना, 1915 को ये दिया हुआ है, 1915 राइट आंसर हो जाएगा। और एग्जैक्ट डेट मैंने भी बता दिया था जस्ट थोड़ी देर पहले, 23 अप्रैल को बोल रहा था, ठीक है ना, 23 अप्रैल 1915 को, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, रूपक ब्रूक इज द रिमेम्बर एज ए, तो एज ए बार पोएट के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है भाई। अगला प्रश्न, रूपक ब्रूक इंस्पायर पैथोलॉजमिंग इज खाली सर फ्रेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार ईयरली, राइट आंसर इसके ए हो जाएंगे। रूपक ब्रूक हैज द राइटर डी पोएम, तो इसके रूपक ब्रूक ने कौन सी कविता लिखी है, तो द सोल्जर लिखा, राइट आंसर इसके सी हो जाएंगे। द सोल्जर इज अ खाली सन पोएम, तो कैसा पोएम है, तो वार पोएम है, राइट आंसर बी हो जाएगा। द इमेजिंग एंड फैसियस ऑफ खाली सन रन डी थॉट बोट डी अस्टैंजर्स टू इंग्लैंड, राइट आंसर इसके ए हो जाएंगे, राइट आंसर ए हो जाएंगे। क्या अगला बोल रहा है भाई, द प्लेस वेयर द सोल्जर कुड बी बर्दिट शुड बी ट्रीट एज द पार्ट ऑफ ख्वालियर सन आफ्टर इज डेट, तो भाई इंग्लैंड, राइट आंसर है। अगला प्रश्न, द स्पीकर्स ऑफ पोएम द सोल्जर इज, तो द सोल्जर इज द सोल्जर, ठीक है ना, सोल्जर हो जाएगा। अगला प्रश्न, द पोएम खाली स्थान पैट्रोटिक पोएम, तो ये हो जाएगा सॉन्ग, सॉरी द सोल्जर हो जाएंगे, ठीक है। रूपक ब्रूक स्पीक इन गाइड्स ऑफ एंड खाली स्थान, तो खाली स्थान क्या भाई, इंग्लिश सोल्जर, ठीक है ना, असल में यहाँ पर इंग्लिश नहीं होगा, ठीक है ना, यहाँ पर इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको सुधार लेना भाई, इंग्लैंड सोल्जर, ठीक है ना, राइट आंसर इसके ये हो जाएंगे। द पोएम खाली स्थान इज अ सोनेट, तो भाई क्या, द सोल्जर। द स्पीक इज नॉट अफेयर्ड ऑफ, तो अफेयर्ड ऑफ डेट, राइट आंसर ए। द डस्ट स्टैंड फोर डी, तो डस्ट किसको स्टैंड कर रहा है, सोल्जर को कर रहा है, ठीक है ना, किसको कर रहा है भाई, सोल्जर को। अगला प्रश्न, द पोएट इन द सोल्जर डी पैचिक डी मिसियर्स ऑफ, तो मिसियर्स ऑफ बार पोएम, राइट आंसर ए हो जाएंगे। ए सोनेट इज द पोएम ऑफ लाइन, तो सोनेट में कितने लाइन्स होते हैं, तो सोनेट की बात करें तो 14 लाइन्स होते हैं, ठीक है भाई। इट शुड डाई थिंग्स ओनली डिस माई मी इज द टेकन फ्रॉम, तो ये लिया गया द सोल्जर से। अगला प्रश्न, ए पल्स इज द एक्सटर्नल माइंड नो लेस, राइटर वाई, तो इसके लेखक कौन है, तो रूपक ब्रूक, राइट आंसर इसके डी हो जाएंगे, करेक्ट, ठीक है भाई। तो ये थे द सोल्जर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव से मैंने क्लियर करा दिया, ये तुमको समझ में आया होगा, मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तुमको एक स्क्रीन पर नंबर भी शो कर रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया PDF लेने के लिए टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप ग्रुप का, तुम लोग ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर सारे इन्फॉर्म आपको कर दिया जाता है, ठीक है ना। अगर बात करें थोड़ा सा इसको वन शॉट में देख लो, तो इसमें क्या कर रहा है भाई, ठीक है ना, इनको किस नाम से जाना जाता है, तो वार पोएम के नाम से जाना जाता है। द सोल्जर रूपक ब्रूक इसके लेखक है, इनका जन्म हुआ था 1887 में और इनकी मृत्यु हुई थी 23 अप्रैल 1915 को, ठीक है ना। एक बीमारी है जिसको क्या मैंने बोला था, अस्टेपनिक कीमा, ठीक है ना, इसको अस्टेपिक सॉक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई। तो ये थे तुम्हारे इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स, मैंने क्लियर करा दिया। आई होप कि तुमको यह वीडियो समझ में आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लस वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।